बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हज़रात हैं उनका नीचे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारी प्रीमियम सर्विस से फ़ायदा उठा रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नहायत मतलब फीस रखी गई है, इजीली अफोर्डेबल है। मार्केट के हवाले से न्यूज़, शेयर के हवाले से न्यूज़, कहाँ पे इंट्री है, कहाँ पे एसेट लेना है, वो तमाम हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपको आगाह करते रहते हैं ताकि आप मार्केट से कुछ कमा सकें। और इसके साथ साथ जो हमारी बाय कॉल है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके तमाम वीडियो मौजूद हैं और इनके आप जो है अपने तौर पर भी तहकीक कर सकते हैं कि हमारे कितनी जो सक्सेस रेट तकरीबन 80% से ऊपर का है। और हम तमाम हर हमारी कोशिश होती है कि हर जो बाय कॉल है उसको पॉजिटिव के अंदर ही क्लोज करें। और एवरेज बाय के साथ जो है बाय करवाया जाता है तमाम शेयर्स को, और सेलिंग भी हिसाब से आपको की जाती है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से कमा सकें। तो सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह तीन अहम बाय कॉल की तरफ। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स है तीनों, इनकी हम बाय कॉल उनके बाय लेवल्स के बारे में बात करेंगे और ताकि जो है आप टाइमली मार्केट से जो है वो इन शेयर्स के अंदर एंट्री लें और ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आप इनसे कमा सकें। जी तो मार्केट की पहले बात कर लेते हैं। मार्केट आप देख सकते हैं जो 20 तारीख को लास्ट वर्किंग डे था उसके जो पीपीलीपी डेटा है आपके सामने है, और इसके हवाले से जो है इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो देखने वाली ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनकी बाइंग है 0.46 मिलियन डॉलर्स की। म्यूचुअल फंड जो है वो इनकी बाइंग इंडिकेट करती है कि आगे मार्केट में जो है बुलिश एक्टिविटी जो जनरेट होने वाली है, और इसके अंदर जो है आप अभी एंट्री एक राइट टाइम है मार्केट के अंदर एंट्री लेने का अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक ब्लू चिप स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं उन्हीं के अंदर फंडामेंटली उनके अंदर ही जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस हवाले से जो है बैंक की भी आप बाइंग देख सकते हैं, 2.50 मिलियन डॉलर की बाइंग है। कंपनीज की भी बाइंग है, फॉरेन इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है। और इसके साथ साथ जो है आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो और पाकिस्तानी भी जो है बाइंग साइड पर हैं, सेलिंग साइड पर सिर्फ अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं और फॉरन कॉर्पोरेट्स हैं और ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर भी जो है एक बाइंग जनरेट हो सकती है। ये भी जिस वक्त इंश्योरेंस कंपनी भी अगर आ सकते हैं बाइंग के ऊपर तो भी अच्छा साइन होगा और मार्केट के अंदर जो है वो बायर ज़्यादा हो जाएंगे और सेलर जो है वो कम हो जाएंगे, तो एक मार्केट के अंदर पूरी एक्टिविटी इंडिकेट जो है वो कर रही है जो कि ईडीपी डेटा है इसके मुताबिक। उसकी वजह यह है कि IMF प्रोग्राम तकरीबन जो है मिलने वाला है पाकिस्तान को, और जो थोड़ी बहुत इंश्योरेंस बाकी है वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो है एक जो हमारी इकॉनमी उसके लिए भी अच्छा साइन होगा, और जो हमारे जो इंडस्ट्री जो बंद पड़ी हैं, जो हमारे रिजर्व हैं जो काफ़ी डिक्लाइन है उनके अंदर थोड़ी बेहतरी आएगी। तो जी तो हमारी जो पहली बाय कॉल है वो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड APL, और APL जो है इस वक्त अच्छे लेवल में मौजूद है, इसको आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसकी वजह यह कि बोर्ड मीटिंग भी करीब है इसकी, 27/4 को बोर्ड मीटिंग है, और ये आप देख सकते हैं 27/4/2023 को सुबह 11:30 बजे इसकी बोर्ड मीटिंग है, और इसकी EPS भी अच्छी है, अर्निंग पर शेयर है, और इसको आप बाय कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ये देखें 2022 की 186.23 2022 की EPS की रही है ईयरली। तो इसको जो है एक डिविडेंड बेस्ड स्टॉक है, इसको आप अच्छे डिविडेंड पे आउट करता है ये, और ईयर का जो हाई है वो 399 में 400 है और ईयर का लो 275, ईयर के लो के आसपास ही है 299.60। इस शेयर के लिए 25-30 रुपये अप एंड डाउन करने में बड़ा मसला नहीं है, आप इसको एवरेज बाय करते हुए चले जाएँ तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर स्टक भी नहीं होंगे और आप इसके अंदर अच्छी अर्निंग भी कर सकेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन शेयर है, अगर आपने लॉन्ग टर्म एक शेयर को छोड़ना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो ये एक बेहतरीन आपकी चॉइस हो सकता है, और डिविडेंड पे आउट के एतबार से। टेक्निकल लेवल पे इसकी बात करें तो 307.85 जो इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया बनता है 308 के आसपास, ये हम वहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट बुकिंग पार्शली कर सकते हैं, और इसके बाद जो है अच्छे पे आउट की सूरत में, अच्छे डिविडेंड की सूरत में जो है ये इंशाल्लाह आपको 320 से ऊपर ऊपर 322-23 तक जो है इसका जो हाइएस्ट रहा है वहाँ तक ये जा सकता है। तो इसको भी आप
जो है एक अगर आपने इसको बाइंग करना है तो एवरेज की स्ट्रेटजी के साथ इसको आप बाई करें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। 297.69 इसका पहला सपोर्ट बनता है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है 291, और इसके जो इसी के रेंज के अंदर फिलहाल घूम सकता है बोर्ड मीटिंग की सूरत में, और इस यहाँ पे डिक्लाइन रहता दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे जो आप इसको लाजमी बाय करें इस लेवल के अंदर रहता है 292 से ऊपर ऊपर, और 300 से नीचे नीचे का जो लेवल है 10 रुपये का जो लेवल है इसके अंदर आप इसको एक्यूमेट कर सकते हैं। जब इसकी आप बाइंग करेंगे तो आपके पास जो एवरेज बनेगी वो 294 की बनेगी, और 297 पे आप इसको बाई कर सकते हैं, और उसके बाद 294 पे आप इसको बाई कर सकते हैं, और 292 पे इसको आप मिलते हैं। अगर आपको ये लेवल मिल जाते हैं और मार्केट डिप लेती है तो लाजमी इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए इस शेयर को लाजमी बाई करें। और इसका जो ईयर का सॉरी जो टारगेट रखा है वो 307 है इनिशियली, आप इसको पार्शियली 25% यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद 315, 16, 17 जहाँ पे आपको हाई साइड मिलते हैं वहाँ दोबारा इसको रिलीज़ करते रह जाएँ, और 322 तक आप इसको मुकम्मल एग्जिट भी मार्केट से इस शेयर से हो सकते हैं। देखें अगर आपने यहाँ से एक शेयर ले लिया है और आपने वहाँ पे 320-22 पे आपने सेल कर तकरीबन जो है 25 रुपये का गेन आपने यहाँ से ले लिया, तो उस शेयर के अंदर आपने अच्छा खासा अर्न कर दिया। फिर उसके अंदर बैठने का फ़ायदा नहीं है, फिर बेशक बढ़ता भी रहे तो आपने जो अर्निंग है वो उसके अंदर आप अपनी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 20-25 रुपये प्रॉफिट बुक करना इस मार्केट के अंदर किसी भी शेयर्स के अंदर अच्छा मार्जिन समझा जा सकता है। तो लालच नहीं करनी, और आपने इस रिलीज़ भी इस तरह करना है पार्शियली, और आपने बाइंग भी जो है आप इस तरह पार्शियली बाइंग करते चले जाना है डिप के ऊपर। इसके बाद जो हमारा अगला शेयर है वो भी इसी से मुतालिक है और ऑयल इंडस्ट्री से, वो है जी POL। POL की बोर्ड मीटिंग भी 27/4 को है, और 27/4 काफ़ी अच्छी जो कंपनीज हैं उनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 27/4 को सब ने जो है उसका ऐलान किया हुआ है। तो 27/4 को बड़ा एक अहम दिन हो सकता है मार्केट के लिए, 27 अप्रैल का जो डेट है उसकी इसकी इसकी भी जो अनाउंसमेंट है वो भी 27/4 की है, दिन को तकरीबन 2:30 पे इसका रिजल्ट मेरे ख्याल में 28 तारीख की सुबह ही आएगा। 2:30 बजे के बाद पॉसिबल नहीं कि 1 घंटे के अंदर जो है वो रिजल्ट आ जाए, तो इसका इफेक्ट जो है वो आपको 28 तारीख की सुबह मिलेगा। ये भी अच्छा पे आउट्स वाला स्टॉक है, 340 ईयर का लो है और 460 ईयर का हाई है। आज मैं आपको वही शेयर गाइड कर रहा हूँ जो एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड बेस्ड स्टॉक है, और इनको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपने डिविडेंड बेस्ड स्टॉक का इंतखाब करना है तो उनके लिए आप इन ये शेयर्स आपके लिए बेहतरीन जो है वो आपकी चॉइस हो सकते हैं। जो ईयर का हाई है वो मैं बता दें, ईयर का लो 340 है, और ज़्यादा जो है टूटता हुआ दिखाई भी देता है। यहाँ से देखें इसके अंदर 398 में 4-5 रुपये के डे रेंज के अंदर इसका लो हाई बना हुआ है, तो इसको भी जो है आप एक इन लेवल्स के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो लाजमी बाय करें। इसकी अगर हम बाय लेवल्स की बात करें और सेल लेवल की बात करें, तो इनिशियली जो इसका सेल लेवल बनता है वो भी 407 के आसपास है, पहली जो रेजिस्टेंस बन रही है, और उसके बाद 426 के आसपास इसकी बनती है, उसके बाद 440 और 453 की तरफ। तो ये वो लेवल हैं जहाँ पे आपने मार्केट को आपने अपने रिलीज़ करने हैं 25-30% जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है इन शेयर्स का, और अगर इससे नीचे आपको मिलता है 400 से नीचे नीचे तो आप इसको 390 तक जो है इसकी जो है आप बाइंग कर सकते हैं। इसकी भी 10 रुपये का नीचे का मार्जिन रख के आप इसे बाय करें, और इंशाल्लाह 27 तारीख जब से बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी सॉरी जो फाइनेंशियल के अनाउंस होंगे इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन देता हुआ दिखाई देगा। और इसकी ईपीएस जो है वो अच्छी रही है, ईपीएस बेस के ऊपर हम इसको बाय रिकमेंडेशन इसी कॉल दे रहे हैं। बाकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट इस तरह कंपनी अनाउंस करती है पे आउट के हवाले से, तो वो उनकी अपनी स्वापित होती है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कैसा पे आउट देती है। लेकिन अर्निंग जो ईपीएस के मुताबिक अगर डिविडेंड पे आउट ना भी कंपनी कम दे लेकिन डिविडेंड और ईपीएस आपकी अच्छी हो कंपनी की स्ट्रॉन्ग कंपनी हो तो कोई मसला नहीं है, वो आपको लॉस वहाँ से जो है वो नहीं देगा। तो ये वो लेवल्स हैं, और इसके बाद अगर आपने इसको एवरेज बाय करते चले जाना है तो इसका आपको जो एवरेज बनेगी इस शेयर की वो तकरीबन 390 के आसपास बनेगी। अगर आपको ये लेवल मिल जाते हैं 395 का लेवल है, 390 का लेवल है, और 384 का इन्वर्स कंडीशन मार्केट का डिप लेती है, तो आप इन लेवल के ऊपर लाजमी इसको बाय करें। आपको जो एवरेज बनेगी वो 390 के आसपास बनेगी, और आप इसको इजीली जो पहले आपके टारगेट होगा 25-30% रिलीज़ करने का वो 407 जो प्राइस होगी वहाँ पर आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये 22 लेवल्स हैं और सेल मैंने आपको बता दिए, तो इन लेवल के ऊपर लाजमी इस शेयर को बाय और सेल लाजमी करें, और प्रॉफिट अपना जो प्रॉफिट है वो लाजमी बुक करें इन लेवल के ऊपर।
जी, तो हमारा अगला जो शेयर है वो है जी चिराट सीमेंट। और चिराट सीमेंट जी की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस है, और उसकी बोर्ड मीटिंग जो है 27 तारीख को अनाउंसिस है, और 27 को शेड्यूल है इसकी बोर्ड मीटिंग। और इससे भी जो है अच्छी अर्निंग की उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे पे आउट की उम्मीद कर सकते हैं 27 तारीख को 2:30 बजे। ये भी 28 तारीख की सुबह आप रिजल्ट जो है इसका इफेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। अर्निंग जो है 2022 की 22 में 23 रुपये रही है। क्वार्टरली भी इसकी अर्निंग 8.1 है, और इसको भी आप जो है इस बेस के ऊपर हम इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो इंशाल्लाह फिर अगर आप लॉन्ग टर्म रखें तो इसको 100 से नीचे नीचे बाय करें, तो फिर एक बेहतरीन एरिया होगा वहाँ पर जो है इसको बाय करने के भी। थोड़ा सा अप आया हुआ है इसलिए जो है आप इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए डिप आने का, तो वहाँ पर आप इसको जो है वो लाजमी बाय करें। इसके जो ईयर का ये 136 है, ईयर का लो 75 है। और सीमेंट सेक्टर जो है अभी क्योंकि आगे चलेगा, आगे बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है। गर्मी का सीज़न होता है तो इनकी अर्निंग जो सेल्स है वो भी जो उनमें इजाफा होता है, और गर्मी जो है वो अंदर सीज़न होता है। और जो मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है वो जो है बूम करता है गर्मियों के अंदर, तो आप इसको लाजमी जो है इन लेवल्स की वो बाय करें। इसका जो लेवल बनता है वो 108.81 का जो लेवल है, बड़ा बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। इसको अगर आप यहाँ मिलता है तो आप 109 के आसपास लाजमी इसको बाय करें, और उसके बाद अगर सस्टेन नहीं करता यहाँ पे तो इसके बाद फिर 100 का एरिया है, और उसके बाद 95 का एरिया है। तो ये इस लेवल के अंदर आप इसको लाजमी बाय करें, 110 से नीचे नीचे और 95 के दरमियान तकरीबन 10 से 15 का जो गैप है। उसके बाद 115 इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया बनता है, 115 और फिर 120 का जो एरिया है ये एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया इसके साथ साबित होता है। हमेशा ये 121 बीस 22 से जो है ये रिवर्स हो जाता है। तो इसके अंदर भी चार्ट मौजूद है, बोर्ड मीटिंग है, तो इसके अंदर अभी भी जो है डिप की तरफ आए तो इसको लाजमी जो है आप बाय कर सकते हैं। और इसके जो जो आपके जो एवरेज बनेगी इस शेयर की 110 पे इसको बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 101.1 पे अगर नीचे की तरफ आता है फिर आपने 101 का वेट करना है, और 101 को भी क्रॉ अगर नीचे सस्टेन नहीं करता फिर 96 का आपने वेट करना है। तो अभी जो है इस चांसेस का मैं 97 पे आने का, लेकिन 110 के करीब आप इसको शेयर आपको मिल सकता है। 101 भी मुश्किल है, तो अगर ये शेयर 105 या 6 पे भी आता है तो फिर भी आप वहाँ इसकी बाइंग कर सकते हैं। नीचे टूटता हुआ नज़र आपको नहीं आता, एक स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, फिर भी आप इसको 110 से लेकर 105 के दरमियान जो है वो बाय कर सकते हैं। इसको टारगेट जो आपने रखा है वो इनिशियली तो आप 120 के आसपास आप इसको लाजमी जो है सेल करें, वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस आती है। तो इस शेयर के अंदर आपने 110 पे बाय किया और आपने इसके अंदर जो 120 पे सेल टारगेट अगर आपने रखा हुआ है तो 10 रुपये कमाना इस मार्केट के अंदर एक शेयर के अंदर एक अच्छी अर्निंग कमी जा सकती है करंट सिनेरियो के अंदर। तो इसको भी जो है आप इन लेवल के ऊपर बाय करेंगे भी आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगा। अगर नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पर आप इसको डिप कर बाय करते हुए इसको आप लाजमी बाय करें। और ये तीन आम शेयर्स हैं, तीन डिविडेंड बेस्ड स्टॉक हैं, इनको लाजमी बाय करें अपने लेवल्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये आपको जो है वो आपको नुकसान नहीं देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छी लगी होगी। हमारी तीन बाय कॉल्स थी, आपका मैंने इनकी वैल्यू इनकी जो बाय सेल शेयर्स जो वैल्यू है वो आपको आपके सामने डिस्कस की हैं, आपके सामने रखी हैं, और टेक्निकल तौर पर भी आपके सामने इस वीडियो को रखा है कि बाय सेल लेवल कहाँ पर रेजिस्टेंस और कहाँ पर सपोर्ट इनको मिल सकती है। इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। जो अकाउंट ओपन करवाएगा हमारे साथ, हम उसको जो है तमाम बाय सेल सर्विसेज और जितनी भी हमारी पोर्टफोलियो डिस्कशन है, उनके पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, कौन शेयर बाय करने हैं, वो तमाम हम आपको फ्री गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।